15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। हम अगस्त के पहले हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के जो हमने फैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। हुकूमत का 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारे खुलने का मशरूत ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा तालीमी इदारे खोलने से पहले अगस्त के तीसरे हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में सूरत हाल पर फिर गौर होगा। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो इदारे नहीं खुलेंगे, SOP भी जारी किया जाएगा। मुराद सईद ऐवान में उजैर बलोच के एतराफी बयान की कॉपी ले आए। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बारिश, बोले उजैर बलोच ने एतराफ किया कि उसने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के कहने पर कत्ल किए। भत्ता आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को देने का भी एतराफ किया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। शाजिया सुमरू ने मुराद सईद की तरफ हेडफोन्स उछाल दिए। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। मैं आज अब सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया, उसकी वजह से बड़ी तेजी से वायरस फैली। सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस। इसलिए सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। आवाम ने बकर ईद पर एहतियात ना की तो कोरोना फिर फैल सकता है। गुज़श्ता ईद पर लापरवाही से वायरस तेजी से फैला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, बोले आवाम ईद उल अज़हा पर एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज ना करें। वज़ीर-ए-आज़म ने आइसोलेशन अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोरोना केसेस में कमी खुशाइन है, कुर्बानी से मुतालिक SOP बना दी है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3,359 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2,40,848 तक जा पहुंची। 61 अफराद जान से गए, अमवात बढ़कर 4,983 हो गए। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज आज रात 12 बजे से होगा। गजर में आवाम ने SOP की धज्जियां उड़ा दी। मास्क पहनने की हिदायत और सामाजिक दूरी का उसूल पामाल कर डाला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान बोले स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम आवाम की बेहतरी के लिए किए, जानों के तहफ्फुज़ समेत मईशत को भी रवा रखना है। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम के अंदर कराची में तब्दीली लानी थी वो नहीं की गई। वो कराची जिनको ये हकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ की हकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने कराची के मसाइल का हल अपने जिम्मे ले लिया। बोले माजी में हुकूमतों ने कहा कराची हमारा मसला नहीं, लेकिन हम कहते हैं कराची हमारा मसला है। राजा परवेज अशरफ बोले आज सवाल गंदुम और जवाब चना का मतलब समझ में आ गया। पिछली हुकूमत पर इल्जाम 4-6 महीने तक तो ठीक है, 2 साल बाद भी हुकूमत के पास सिर्फ इल्जाम है, मसाइल का हल नहीं है। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे, ये जवाब है। असलम खान साहब, ये ख्वातीन है, ख्वातीन आपसे मुतालबा कर रही हैं इस हाउस के तकद्दस के लिए, आप खड़े होकर अपने अल्फाज वापस ले लें। मैं समझता हूं आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें, मैंने इनको डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया। ये इलेक्ट्रिक के मामले पर कौमी असेंबली में हंगामा आ रहा है। असलम खान और खवातीन अरकान में तूतू में अपोजिशन अरकान का असलम खान की गुफ्तगू पर शदीद एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की तंबी, पीपल्स पार्टी की अरकान और उमर अयूब में भी सख्त जुमलों का मुकाबला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोल बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाप्त की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा अगर किसी ने सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। चेयरपर्सन ओग्रा सीधा साधा बयान दे वरना सब बच जाएंगे, ये खुद फंस जाएंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी नैब के रेडार पर आ गए। हलीम आदिल पर 253 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे और फरोख का इल्जाम। कराची नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने महकमा एंटी करप्शन से दस्तावेजात भी तलब कर ली। लूटमार एसोसिएशन को बेनकाब करना सियासी और कानूनी फर्ज है। शहबाज शरीफ की करप्शन को सामने लाना अव्वलीन तरजीह है। वजीर इत्तलाआत पंजाब की नून लीग पर तंकीद, बोले नून लीगी तर्जुमानों की तरफ से जवाब शहबाज शरीफ से डांट खाने के बाद आता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया एफबीआर में पेश हो गईं। बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस फाइज ईसा के अहलखाना को गुज़श्ता हफ्ते 3 नोटिसेस भेजे गए थे। एफबीआर ने बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरफराज भुट्टो की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने 9 साल बच्ची अगवा केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा सरफराज भुट्टो को 6 माह से किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। जस्टिस मजहर आलम ने साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान के वकील से कहा सरफराज भुट्टो बा असर शख्स है, कोशिश करें बच्ची मिल जाए। मजीद समाज 14 जुलाई तक मुलतवी। 3 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर हुई तो तमाम स्कूलों को 15 सितंबर तक खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने से कबल तालीमी इदारों को SOP पर अमल दरामद की तरबियत दी जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत तालीमी इदारों से मुतालिक मजीद मुशावरत करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने से कबल अगस्त के 3rd हफ्ते में इसी हवाले से मजीद गौर भी किया जाएगा। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। इस क्योंकि ये 2 माह बाद है उनका खुलना, तो इसलिए हम अगस्त के 1st हफ्ते में और फिर अगस्त के 3rd हफ्ते में या सितंबर के 1st हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। तो इसके लिए बाकायदा एक SOPs बनाई जाएंगी कि किस तरीके से खुलेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर सितंबर से स्कूल खोलने का इंदिया दिया गया है। ये कितना मुमकिन दिखाई देता है, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हैदर अली साहब। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो ये बता दिएगा कि कितनी प्रैक्टिकल बात है। एक मुतालबा तो ऑलरेडी स्कूल्स की जानिब से आया है कि जुलाई में स्कूल्स खुल जाने चाहिए, लेकिन सितंबर से SOPs के साथ स्कूल्स खुलना कितना प्रैक्टिकल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हम ये वज़ीरे तालीम के इजलास की इस तजवीज़ को जो है वो अक्सर मुस्तरद करते हैं। ये बात इंतहाई नामाकूल और गैर मुनासिब है कि जब तमाम कारोबार SOPs के साथ खुल चुके हैं तो तालीमी अदारों को SOPs के साथ क्यों नहीं खोला जा सकता। और बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि अब तक कोई वाजे और दो टोक पॉलिसी का ऐलान नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इन SOPs पर क्या अमल दरामद हो सकेगा, तो हम आज से 3 माह पहले हुकूमत सिंध को, महकमा तालीम को अपने तमाम SOPs जमा करा चुके हैं और उसमें हम ये गुजारिश कर चुके हैं कि स्कूल खोले जाने के हवाले से तमाम तर SOPs जो हैं वो काबिल अमल हैं और उनमें कोई ऐसी दिक्कत या मुश्किल नहीं है कि उन SOPs पर अमल दरामद। हैदर साहब, एक मुश्किल मुझे नजर आती है उन बच्चों के लिए, ठीक, एक मुश्किल जो मुझे बच्चों के लिए नजर आती है वो ये कि बच्चे स्कूल वैन्स में ज्यादातर आते हैं, उनको आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो SOPs पर अमल करें, क्योंकि साथ साथ जुड़ के बच्चे तो इतने भरे होते हैं वैन्स के अंदर कि कुछ बच्चों को तो खड़े होकर आना पड़ता है, कुछ तो एक दूसरे की गोद में बैठ के भी आ रहे होते हैं। जी, जिस तरह स्कूल ने ट्रांसपोर्टर्स को SOPs दिए और हमने देखा कि उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ, इसी तरीके से स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए भी SOPs बन सकते हैं और स्कूल आने वाले बच्चों के लिए जाएगा कि उसमें कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या उस वैन ड्राइवर को कुछ
करेंगे, क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? यकीनी तौर पर जिस तरह हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम बनाया है स्कूलों में के बच्चों के दरमियान फासला रखा जाएगा, तो इसी तरह वैन की तादाद में आने वाले बच्चों को भी मिस कर दिया जाएगा। और हमने जो शिफ्ट्स का मुतालबा किया है वो इसी वजह से किया है कि जब दो शिफ्ट्स में बच्चे आएंगे तो वो खुद ब खुद आधी तादाद हो जाएगी, और इस तरह हम स्कूल वैन से भी जो बच्चे ऑलरेडी शिफ्ट्स में काम पढ़ते हैं उनके लिए क्या फिर होगा, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टरनून शिफ्ट्स होती है, मिड शिफ्ट्स होती है, और फिर मॉर्निंग शिफ्ट्स होती है, इवनिंग शिफ्ट्स, ये इन तीनों में शिफ्ट्स में बच्चे आते हैं, तो इनको कैसे मजीद मिस कैसे करेंगे? देखिए 98% स्कूल जो है वो सिंगल शिफ्ट में चलते हैं, सिर्फ बहुत कम स्कूल डबल शिफ्ट में चलते हैं, और हमने सिंगल शिफ्ट का भी वक्त आधा लिया कि 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये वक्त रखा जाए दो शिफ्ट का, तो वो एक ही शिफ्ट के टाइम में दोनों शिफ्ट मुकम्मल हो जाएंगी, और जिन स्कूल्स में दोपहर की शिफ्ट है उसमें ये वक्त थोड़ा सा पहले खत्म किया जाएगा और उस दूसरी शिफ्ट को भी अकोमोडेट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, स्कूल्स का वक्त भी कम किया जाएगा, शिफ्ट्स को भी दो में तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के, जिनका ये कहना है कि स्कूल्स को और जल्दी खुलना चाहिए क्योंकि तारी के सारे कारोबार पहले ही खुल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज कौमी असेंबली के हंगामा खेज इजलास की। वफाकी वजीर मुराद सईद मुल्ज़िम उज़ैर बलोच के एतराफी बयान को कौमी असेंबली के अवान में ले आए। उन्होंने कहा कि ये 164 का एतराफी बयान है जिसमें उज़ैर बलोच ने कत्ल इगवा बराए तावान समय सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों को कत्ल करने का एतराफ किया। बयान में यह भी कहा कि उसने कत्ल पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के कहने पर किए। उज़ैर बलोच ने बताया कि उसने आसिफ जरदारी के कहने पर शुगर मिल्स पर कब्जे के लिए अवैस मुजफ्फर टप्पी की मदद भी हासिल की। मैं जो एतराफी बयान लेके आया हूं 164 का उज़ैर बलोच का, इसके ऊपर न इनको एतराज है न इनको एतराज है स्पीकर साहब। उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है, मैंने